दोस्तों, वेलकम टू माय द सरवन ब्लॉग्स। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग्स में जो कोम्बलुगुडु मार्केट है, जो संडे में लगता है दोस्तों बेंगलुरु में, उस मार्केट का मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ दोस्तों आज। आप क्या कीजिएगा, देख के थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। और दोस्तों, आज हमारे दोस्तों के साथ मैं चावल का जो पैकेट है ख़रीदने के लिए आए, और मछली आज जो सब्जी बनाएगा अपना रूम में। आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ मार्केट में, मेरा फ्रेंड लोग दोनों वेट किए हैं बाहर में, तो मैं अकेला हूँ ना, तो अकेला जा रहा हूँ मोबाइल में वीडियो करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बिजी रहता है, यहाँ ट्रैफिक भी नहीं है, ये कोम्बलुगुडु मार्केट के पास में, और पुलिस भी नहीं रहता है, थोड़ा दिक्कत होता है जाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए बी केयरफुल होना है दोस्तों, क्योंकि इतना सारा गाड़ी चलता है ना, टोटल 4 लेन है, सावधानी से जाना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बहुत गाड़ी चलता है दोस्तों, क्योंकि ये बेंगलुरु है ना, टाउन एरिया है, यानी यहाँ पे हर रविवार, सप्ताह का रविवार को क्या लगता है, यहाँ पे कोम्बलुगुडु मार्केट लगता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा से है, यहाँ पे बहुत सारे अदर स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट से काम करने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। ये दोनों जो है मेरा रूममेट है, दोस्त है, ये लोग भी पैदल चल रहे हैं, मैं भी पैदल चल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो द सोलोमन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर है, बहुत सारे चीज़ों को, जो फ्रूट्स है, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे सेल किया जाता है दोस्तों। रविवार को बड़ा मार्केट होता है यहाँ पे, देखें नारियल है, बहुत सारी चीज़ें, मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, बहुत सारी चीज़ों यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर किलो भी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे सारे जो दुकानदार हैं ना, उनका पास पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट है दोस्तों। हमारा वहाँ पे भी है, लेकिन अपना गांव में तो कमी है, यहाँ पे ज़्यादा फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ चलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ का वेजिटेबल किस तरह दिख रहा है, आलू, ये प्याज है, ये सब्जी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ों यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे वीकली मार्केट होता है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगा है, कोई मछली खरीद रहा है, कोई चिकन खरीद रहा है, कोई मटन खरीद रहा है दोस्तों, क्योंकि आज रविवार है ना, इस कारण। आप आज के दिन में क्या खाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे दुकान है दोस्तों, लेकिन हमारा जो कुंदली मार्केट है उड़ीसा से थोड़ा छोटा है मार्केट, उतना बड़ा भी नहीं है कंपेयर करने से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, लेकिन अपना जो वहाँ पे है ट्रैफिक लग जाता है, अपना गांव में जो है ट्रैफिक और भीड़ ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आप रोड क्रॉस करने के लिए दोस्तों, आप जब आएंगे बेंगलुरु कोम्बलुगुडु मार्केट में, थोड़ा केयरफुल में यहाँ पे रोड क्रॉस करना, नहीं तो एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे सेकेंड हैंड जो कपड़े वगैरह भी सेल किया जाता है, आप देख सकते हैं ये राइट साइड में है। और दोस्तों यहाँ पे रिलायंस भी है, रिलायंस स्मार्ट। और हमारा गांव में तो 3 फ्लोर है, यहाँ पे 1 फ्लोर है, थोड़ा छोटा है, उतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कंपनी में पहनने के लिए कपड़े वगैरह खरीदते हैं। आप देख सकते हैं ख़रीदने के लिए आए हैं, हम लोग सुबह में गए थे ना दोस्तों। ये फ्रेश वेजिटेबल देखिए, सब कुछ है यहाँ पे, आलू है, भिंडी है, ट्रैक्टर देखिएगा, आप चलाना चाहते तो चलाना ज़रूर। और बहुत सारे चीज़ों यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड हैंड जो कपड़े है और कंपनी में लगाने के लिए, लड़का लोग कंपनी में जो काम करते हैं, लड़का लड़की लोग यहाँ पे आके ख़रीदते हैं डेली यूज़ के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं, और फिलहाल हम लोग अभी मछली ख़रीदने के लिए अपने दोस्त लोगों के साथ रेट पूछने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप का ये सूखा मछली है, ये मछली देखिए दोस्तों, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा 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 मछली यहाँ पे बेंगलुरु कोम्बलुगुडु मार्केट में सेल किया जाता है। यहाँ पे होगा दोस्तों एक मछली 8-9 kg का हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का वो देखिए बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, ये सेकेंड हैंड जो कपड़े हैं, नया कपड़े सब कुछ, जूस वाला है दोस्तों, ऑरेंज जूस बेचता है। और आप देख सकते हैं वहाँ पे जो भीड़ लगा है, वहाँ पे मछली ख़रीदने के लिए जो कस्टमर लोग है और जो आदमी वो बेच रहे हैं मछली, फिर चलते हैं दोस्तों उनको पूछते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो शाम का टाइम में आने से क्या होता है, जो सूखा मछली भी पास में है, और जो आलू है, प्याज है, थोड़ा 100 रुपया में आपको 6-8 kg मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि शाम का टाइम में लोग चले जाते हैं ना, उस टाइम में थोड़ा डिस्काउंट रेट में देते थे, लेकिन अब सुबह जाएंगे तो उतना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ पूछते हैं कहाँ पे कितना रेट है दोस्तों। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मछली
कितना का क्या रेट है हम लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद ख़रीदेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो मछली एक किलो का जो रेट है वो 150 है, और हम लोग को कितना 900 ग्राम दोस्तों, 900 ग्राम का हम लोग को दिया 140 में। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मछली है दोस्तों, आपने देखा है कि नहीं इस तरह के मछली आप देख सकते हैं। और मगूर ना क्या बोलते हैं ना, वो जो ट्रे के अंदर भी है मगूर और जिंदा है दोस्तों, और उसका काटा रहता है ना। यहाँ पे कितना भीड़ लगा है देखिए, रविवार में कोई मछली खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई अंडा खाता है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। हम लोग दोस्तों मछली ख़रीदने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन 150 किलो कहा तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया दोस्तों, इसके लिए दूसरे दुकान में जा रहे हैं रेट को पूछने के लिए अपने दोस्त लोगों के साथ में। यहाँ पे जो कांटा वाला मछली है और बिना कांटे वाला मछली भी है, यहाँ पे ऑल वैरायटी आपको पाया जाता है। हम लोग फिर दूसरे दुकान चले गए मछली खरीदने के लिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेट बोले हैं ना, इस कारण बहुत सारे मछली है, क्योंकि आज संडे है ना, बहुत सारे कस्टमर लोग आते हैं ख़रीदने के लिए यहाँ पे, आप तो जानते ही होंगे। और चलिए दूसरे दुकान में चलते हैं, वहाँ पे कितना रुपया है पूछते हैं, फिर वहाँ से ले लेते हैं। देखिए मेरा मछली दुकान में फ़ोटो उठा लिया दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कुमलगुड़ मार्केट का जो फ्रंट एरिया है उसका फ़ोटो वगैरह है। और ये रिलायंस मार्ट है, हमारा गांव से थोड़ा छोटा है। और मेरे चैनल को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।